K4 मिसाइल के दो सफल परीक्षण करने के बाद DRDO K5 पर काम करने की योजना बना रहा है। K5 की रेंज 5000 किलोमीटर होगी। यह मिसाइल सीरीज लेवल के समान होगी। यह मिसाइल एशिया, अफ्रीका, यूरोप और दक्षिणी चीन सागर तक हमला कर सकेगी। एक अधिकारी ने कहा कि K4 मिसाइल के सप्ताह में दो सफल परीक्षण किए गए हैं। अब इस मिसाइल को जल्द ही भारत की पहली स्वदेशी अनियंत पनडुब्बी पर तैनात किया जा सकता है। K5 मिसाइल का निर्माण करने के बाद DRDO अमेरिका, रूस, चीन के क्लब में शामिल हो जाएगा, जो अपनी पनडुब्बियों से 5000 किलोमीटर तक हमला कर सकते हैं। दोस्तों, अगला अपडेट स्वदेशी टॉरपीडो वरुणास्त्र को लेकर है। इंडियन नेवी को जल्द ही स्वदेशी हैवी वेट टॉरपीडो वरुणास्त्र सौंप दिया जाएगा, जो इंडियन नेवी को शक्ति प्रदान करेगा। इस टॉरपीडो को इंडियन नेवी की सिंधु श्रेणी की पनडुब्बियों और जहाजों पर तैनात किया जाएगा। आपको बता दें कि वरुणास्त्र टॉरपीडो 40 किलोमीटर तक की सीमा में आने वाले जहाजों पनडुब्बियों को नष्ट कर सकता है। जुलाई 2018 में इंडियन नेवी ने इस टॉरपीडो का सफल परीक्षण किया था। इस टॉरपीडो का वजन 1.5 टन है और यह टॉरपीडो 74 किलोमीटर प्रति घंटा से हमला कर सकता है। इस टॉरपीडो को DRDO की लैब में डिजाइन और विकसित किया गया है। दोस्तों, अगला अपडेट चंद्रयान 3 को लेकर। इसरो प्रमुख सविन ने एक प्रेस मीटिंग में मीडिया को बताया कि सरकार ने चंद्रयान 3 और रोवर को अपनी मंजूरी दे दी है और कहा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को उतारने के लिए इस पर हमने काम करना शुरू कर दिया है। चंद्रयान 3 को 2021 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा जाएगा। चंद्रयान 3 के रोवर और रॉकेट पर 610 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दोस्तों, अगला अपडेट इनस्कावाराती को लेकर है। इंडियन नेवी की मारक क्षमता को मजबूत करने के लिए गार्डन रिच सिबू इल्डर्स जल्द ही इंडियन नेवी को एंटी सबमरीन इनस्कावाराती को सौंपने वाला है। गार्डन रिच सिबू इल्डर्स एंड इंजीनियर्स के अध्यक्ष VK सक्सेना ने कहा कि इनस्कावाराती इंडियन नेवी के लिए परियोजना P28 के तहत GRSA द्वारा निर्मित 4 एंटी सबमरीन वायरफेयर में से एक है। सक्सेना ने कहा कि इस जहाज के सभी परीक्षण सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं और इस महीने के अंत तक इसे इंडियन नेवी को सौंपने की योजना है। यह जहाज 3300 टन का है और इस जहाज को बनाने के लिए कार्बन कंपोजिट का प्रयोग किया गया है, जो इस जहाज को तेज गति प्रदान करेगा। रक्षा सूत्रों के अनुसार यह जहाज परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों का सामना कर सकता है और इसमें प्रयोग किए जाने वाले हथियार और सेंसर स्वदेशी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं।